ढुंगी तहसील के कोटाबाग में जिला अधिकारी नैनीताल द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिला विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भेजी गई है। जांच कमेटी ने अनियमितताओं के सभी बिंदुओं की जांच की है। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया है कि निर्माणाधीन भवनों में छत में सरिया सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ प्लास्टिक के कट्टों को भी दबाया गया है। इस पर जांच कमेटी द्वारा दो जगहों पर छत की खुदाई भी की गई है और दोनों जगहों पर जांच समिति को प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए गए हैं। जांच के उपरांत जांच समिति ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी नैनीताल को सौंप दी जाएगी। कार्यदायी संस्था ठेकेदार और महाविद्यालय प्रशासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है यहाँ पे एक कोटाबाग महाविद्यालय की जांच के लिए हमें भेजा गया है। तो जो जो बिंदु यहाँ पे शिकायत पर उठाए गए थे, जिसमें एक पुराने भवन में जो है पानी टपकने की दिक्कत थी और नए उसमाले में सरिया दिखना और सीमेंट के उसमें जो है कट्टे उसमें साइड में डाले गए, इस तरह की जो उसमें शिकायतें थी उसकी यहाँ पर जाँच की गई है। आज राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिलाधिकारी नैनीताल की संस्तुति पर एक जांच कमेटी भेजी गई। हम लोगों की क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर जितने भी भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तो इसे लेकर आज जांच समिति ने यहाँ पर विस्तृत तौर पर जांच की है और हमने उन्हें कई सारी अनियमितताएं यहाँ पर दिखाई हैं, जैसे कि छत इत्यादि में जो प्लास्टिक के कट्टे डाले गए थे उन सभी का निरीक्षण जांच समिति द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई कमेटी महाविद्यालय में आई और उन्होंने देखा कि महाविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितताएं हैं। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में दोनों भवन निर्माणाधीन है और जो अभी हैंडओवर भी नहीं हुए हैं और उनमें से सीलन और एक में तो आप देख सकते हैं कि जो छत है छत के अंदर कट्टे तक भरे गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं और जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कई बार विजिट कर चुके हैं, शासन प्रशासन के लोग विजिट कर गए हैं, लेकिन फिर भी अनियमितताएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कालाडूंगी विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है वहाँ किस प्रकार की स्थिति है।